सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का एक और बहुत ही बड़ा और बेहद ही रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा 12 जून 2019 को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के मैच नंबर 17 की प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा 12 जून 2019 को। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में, और आपको बताएंगे कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। वहीं मैच की मैच इवेंट प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का मैच नंबर 17, जो कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा जबरदस्त मुकाबला, जो कि यह मैच 12 जून 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा टाउनटाउन के द कॉपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड के स्टेडियम में, और यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 PM से इंडिया टाइम के हिसाब से। तो वहीं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 2:30 बजे से, यानी कि 2:30 PM से दिन में। दोस्तों, यह मुकाबला काफी टक्कर काफी रोमांचक का होने वाला है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जो इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रही है, टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त बल्लेबाज गेंदबाज और ऑलराउंडर मौजूद हैं। तो वहीं पाकिस्तान की टीम दूसरी तरफ है, जहां पाकिस्तान की टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हैं अगर टिक जाते हैं तो पूरा मैच अपने दम पर पलट कर रख सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान की टीम में कई शानदार गेंदबाज मौजूद हैं, स्पिनर मौजूद हैं। जिस दिन पाकिस्तान की टीम चलती है, किसी भी बड़ी टीम को एक झटके मारा सकती है। तो यह मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, अब बिना देरी के वे चलिए बात करते हैं इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में, कि वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलेंगे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है नॉनस्टॉप प्रो ऐप, जो कि कमाल का ऐप है, पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। वहीं से भी खास बात यह कि जो भी पैसा आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। तो खेलो जीतो और पैसे कमाओ। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो एज ओपनर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे फखर जमान, पाकिस्तान टीम के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज। तो इसके बाद नंबर 2 पर होंगे इमामुल हक, जो कि फखर जमान और इमामुल हक करने वाले हैं ओपनिंग के बल्लेबाजी। अगर बात की नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे बाबर आजम, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन बल्लेबाज, जो कि ये करेंगे वन डाउन के बल्लेबाजी। अगर बात की नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे मिस्टर प्रोफेसर, यानी कि मोहम्मद हफीज, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन इस टाइम पर खास तौर पर काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात की नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे सरफराज अहमद, पाकिस्तान टीम के कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन। तो इसके बाद नंबर 6 पर होंगे शोएब मलिक, जबकि नंबर 7 पर होंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज आसिफ अली। वहीं अगर हम बात की नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे शादाब खान, पाकिस्तान टीम के बेहतरीन स्पिनर। अगर बात की नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर होंगे वहाब रियाज, पाकिस्तान टीम के एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज। अगर बात की नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान टीम के जबरदस्त फास्ट बॉलर, जो कि इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी इस मैच में। अगर बात की नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे हसन अली, पाकिस्तान टीम के विकेट टेकर फास्ट बॉलर। दोस्तों, ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि ये पाकिस्तान टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब अगर हम बात करें इस मैच की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, कि आखिर कौन सी टीम जीत सकती है यह मैच, तो इस मैच का प्रेडिक्शन जाता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को। हालांकि यहां पर पाकिस्तान की टीम में कई ऐसे बल्लेबाज गेंदबाज और ऑलराउंडर मौजूद हैं, अगर टिक जाते हैं तो पूरा मैच अपने दम पर पलट कर रख सकते हैं। जिस दिन पाकिस्तान का दिन होता है, जिस दिन पाकिस्तान की टीम बेहतरीन फॉर्म में रहती है, उस दिन किसी भी बड़ी टीम को बड़े ही आसानी से हरा सकती है।